Welcome guys, my name is Mir Joshi and welcome to the second season of the MTC Vlogs original web talk. And as you know guys, this is my web series jo ki maine start ki thi like maybe a year ago and we got a huge success. If you haven't check it out, I will provide the link over somewhere here or below in the description, so make sure to check that out. And first of all, thank you all guys for all response and आप लोगों ने जो बड़े से response दिया, आज हम इस season को एक दूसरे जो है like milestone पे लेके आए हैं. So as you can see कि right now I'm the couch and I have a bit kind of a different setup and all, so I hope you like this. And secondly, we have the guest today on this couch. Probably from the thumbnail and title you got the idea, जहाँ से हम पहली season खत्म की थी वहाँ से ही हम पहली season second season को start कर रहे हैं. So on this couch I am happy to invite my one of the friend जो कि LKG से मेरे साथ था और आज तक साथ है, and I hope that our friendship will be last for longer. So please give the huge round of applause for Dr. Nikunj Galolia, please. वेलकम निकुंज, फर्स्ट ऑफ ऑल टू माई शो. दिस इज योर सेकेंड टाइम की जो हम वेब टॉक का जो है सेशन कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी, जहाँ तक मैंने अपने रिव्यूज लिए थे सेकेंड सीजन के, सो जो लास्ट एपिसोड था वो हमारा काफी पर्टिकुलर मेरे लिए भी इतना जो है मेरे को काफी पसंद आया था शूट करने को, और आई होप कि तेरे लिए भी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा. सो विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम हम ये सेशन है जो स्टार्ट करते हैं. सो मैंने ये सेशन का टॉपिक काफी मतलब एक बढ़िया से रखा है, जो नाउडेज काफी जो यंगस्टर है या फिर जो भी जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है सेवंथ स्टैंडर्ड, उन लोगों का काफी यूजफुल है. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज मेमरी. लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेमरी ऑफ दिस कंप्यूटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेमरी विच इज इनसाइड अवर माइंड, कि वो क्या है चीज मेमरी. ह्यूमन मेमोरी की बात करें तो ये सबसे डेवलप्ड मेमोरी हम बोल सकते हैं. सभी जो कैटेगरीज जो एनिमल कैटेगरीज में है, तो ह्यूमन मेमोरी इज द बेस्ट मेमोरी, वी कैन से दैट. बिकॉज इसमें क्या सारी प्रोसेस रहती है, मेमोरी स्टोरेज से लेकर सभी प्रोसेस इसमें हो सकती है, और इट्स अ एक्स्ट्रा एडवांटेज और डेवलप्ड स्टेज ऑफ द मेमोरी. ओके, सो माय सेकंड क्वेश्चन इज देयर एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी की. चलो लाइक हमारे हार्ड डिस्क है तो वो 500 GB की है तो वो फुल होगी, तो उससे ज्यादा हम जो है ऐड नहीं कर सकते. सो व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन. स्टोरेज कैपेसिटी तो हम नहीं ऐसे बोल सकते जैसे कि इसमें GB में TB में दिखा सकते हैं, लेकिन वी कैन अचीव मोर एंड मोर इंक्रीज इन अवर मेमोरी स्टोरेज बाय रैपिड एंड कंटिन्यूअसली प्रोसेस. इसमें कोई कैपेसिटी नहीं रहती. अच्छा, मतलब लाइक वी कैन से कि इट इज अनलिमिटेड मेमोरी, जितना आप लाइक ले सकते हो उतना ले सकते हो. ठीक है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे दिमाग में मेमोरी स्टोर कैसे होती है. लाइक अगर मैं कंप्यूटर डिवाइस की बात करूँ, एज आई बिलोंग फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट, सो कि जो है 0101 इलेक्ट्रॉन की मदद से जो है या फिर मैग्नेटिक जो की मदद से जो मेमोरी स्टोर होती है, सो हमारे दिमाग में किस तरीके की प्रोसेस रहती है मेमोरी स्टोर करने की. मेमोरी स्टोर की प्रोसेस जैसे हम किसी एक चीज को पहली बार देखते हैं तो उसको हम क्या विजुअल और ऑडियो से उसको सबसे पहले उसको स्कैन करते हैं, जिसमें जैसे कंप्यूटर में स्कैन होता है, तो उसको हम एक उसकी तस्वीर बन जाती है हमारे दिमाग में, तो वो तस्वीर हमारे दिमाग में स्टोर होती है, जिसकी मदद से नर्वस सिस्टम पूरी इसमें इन्वॉल्व होती है, और नर्वस सिस्टम की मदद से ब्रेन में वो डेटा पहुँचता है. तो वो डेटा एक अपना कोई स्टोरेज बनाता है, स्टोरेज जैसे कि कोई ड्राइव या डेटा बनाता है, फोल्डर बनाता है, तो जिसको हम शॉर्ट मेमोरी और उसको कंटिन्यूअसली लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट कर सकता है. अच्छा, तो ये पूरी प्रोसेस रहती है मेमोरी स्टोर. इस बार आई नो, जहां तक मैंने एक चीज पढ़ी थी कि हम कोई भी चीज जो याद रखते हैं वो डायरेक्ट वर्ड के फॉर्म में नहीं होती है, वी हैव समथिंग पिक्चर रिलेटेड टू दैट वर्ड इन अवर माइंड. लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर द वर्ड एप्पल, तो आप ऐसे उसको लाइक इमेजिन नहीं लाइक याद नहीं कर सकते, यू हैव अ रेप्लिका ऑफ दैट थिंग. लाइक अगर आप एप्पल को याद रखना चाहते हो तो देयर इज अ पिक्चर ऑफ एप्पल, आप जब बोलते हो तो आपको पिक्चर दिखाई नहीं देता, बट एट द बैक एंड
there is a some kind of image processing हाँ. which is basically help to remember the word. So is it a true thing or what is the process? हाँ, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि हम किसी चीज को देखते हैं तो वो हमें याद रहने में बहुत आसानी रहती है. हम पिक्चर मूवी देख के आते हैं तो वो हम पूरी अच्छे से याद रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने से वो इतनी अच्छी तरह याद भी नहीं रह सकता. इसलिए विजुअल मेमोरी इज द बेस्ट मेमोरी हम बोल सकते हैं. वो क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो सकती है और ज्यादातर वो ही अच्छी रहती है. अच्छा, तो एज यू से द वर्ड लॉन्ग टर्म, सो व्हाट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी? देयर इज अ सम काइंड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग व्हिच इज बेसिकली हेल्प टू रिमेंबर द वर्ड. सो इज इट अ ट्रू थिंग और व्हाट इज द प्रोसेस? हाँ, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि हम किसी चीज को देखते हैं तो वो हमें याद रहने में बहुत आसानी रहती है. हम पिक्चर मूवी देख के आते हैं तो वो हम पूरी अच्छे से याद रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने से वो इतनी अच्छी तरह याद भी नहीं रह सकता. इसलिए विजुअल मेमोरी इज द बेस्ट मेमोरी हम बोल सकते हैं. वो क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो सकती है और ज्यादातर वो ही अच्छी रहती है. अच्छा, तो एज यू से द वर्ड लॉन्ग टर्म, सो व्हाट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी? जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हम बोल सकते हैं कि मैं किसी अनजान व्यक्ति को एक बार देखा तो क्या उसका चेहरा जैसे कि स्कैन हो गया तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है, लेकिन उसी पर्सन को हम बार बार देखते हैं या उससे मुलाकात रहती है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में. और ज्यादातर कोई भी चीज रैपिडली और कंटिन्यूसली करने से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन सकती है. मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी इज द ग्रुप ऑफ अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज द डिफरेंट बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. ओके ओके, सो दिस इज द ऑल क्वेश्चन अबाउट द मेमोरी गाइज. नाउ कमिंग टू द आवर नेक्स्ट सेगमेंट, कि जो कॉन्सेंट्रेशन नाम की चीज होती है जो मेरे में काफी कम है ऐसा मेरे को लगता है. सो व्हाट इज द टर्म कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन जैसे कि हम बता सकते हैं किसी भी एक चीज को, किसी एक काम को हम करते हैं तो उसमें हमारा परसेंटेज और ब्रेन का वो उसमें कितना इन्वॉल्व करते हैं तो उसे कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं. कॉन्सेंट्रेशन ऐसे नहीं है कि कोई 2% में हम कंपेयर कर सकते हैं या ऐसा, लेकिन पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि सब में वो एक जैसा ही और यूनिक भी ऐसा हो सकता है. किसी चीज़ में पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट होता ही है. ओके, सो एज यू टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, सो इज दैट द थिंग कि भाई सब में कॉन्सेंट्रेशन लाइक बराबर होता है और कोई बंदा उसका यूज ज्यादा करता है या कोई बंदा कम करता है, या फिर वो बाई वन जो है ऐसा होता है? कॉन्सेंट्रेशन वैसे हम बोल सकते हैं डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन बढ़ा कैसे सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन? कोई एक चीज को बार बार करने से उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो सकता है. उसकी जो करने की एबिलिटी और हमारी जो कार्य क्षमता होती है वो एक काम करने में रैपिडली करने से वो ज्यादा हो सकती है. मतलब इसमें इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है किसी भी चीज का. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मच रिलेटिव अबाउट द ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स आउट देयर, कि भाई जो कोई भी बच्चा होता है ठीक है उसकी लाइक वो टीचर ज्यादातर कंप्लेन करते हैं कि आपके बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन क्लास में नहीं रहता है, या फिर पेरेंट्स ज्यादातर कंप्लेन करते हैं कि भाई जो मेरे बच्चे की मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं है. सो व्हाट इज दे एक्चुअली मीन कि भाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है का मतलब क्या है और याद नहीं रहता है का मतलब क्या है? लाइक हम तो ऐसे ही बोलते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, बट इन द माइंड व्हाट इज थिंग गोइंग ऑन, मतलब क्या हो रहा होता है? कॉन्सेंट्रेशन का जैसे हम बता सकते हैं इट्स प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट. जैसे कि किसी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है तो उसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा रहेगा. मतलब कॉन्सेंट्रेशन का ये है कि पर्सन टू पर्सन वो डेविएट होता है. इंटरेस्ट के मुताबिक कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा ही होने वाला है. तो वैसे हम कह सकते हैं कि एक काम कोई एक बंदा करता है या दूसरा बंदा करता है तो वो डिफरेंट होता है उसके मुताबिक जैसे कि उसका इंटरेस्ट हो. पढ़ने में इंटरेस्ट हो किसी को, पढ़ने में नहीं तो किसी और चीज में इंटरेस्ट हो सकता है तो वो डेविएट हो सकता है. सो इट्स लाइक अ चेंज, इफ यू हैव इंटरेस्ट इन वन थिंग दैट यू गॉट 100% ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन इन दैट थिंग, एंड बाय गिविंग द 100% ऑफ द अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन इन दैट थिंग यू कैन इजीली मेमोराइज दोस थिंग्स. सो इट इज लाइक कि आपका इंटरेस्ट है तो आपको याद रह जाएगा सिंपली. ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी. सो दैट्स द थिंग. ओके, सो ओके, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जो अपनी बाय बोन जो चीज है उसको पूरा एनहांस कर सकते हैं, बट व्हाट काइंड ऑफ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स कि उसकी मदद से हम अपनी मेमोरी पावर को शार्प कर सकते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन जो है, लाइक ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हमें कुछ चीजें पसंद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, फिर भी हम उसको उसमें इंटरेस्ट जगाए. हाँ, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बट लाइक पढ़ाई को ले लें तो इट इज वेरी हार्ड टू गेट यू नो हम उसमें इंटरेस्ट इजिली इतना नहीं इन्वॉल्व कर सकते. तो ऐसे क्या कॉमन टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसकी मदद से हम जो मेमोरी पावर और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं?
कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि आईक्यू लेवल को बढ़ा सकते हैं, मतलब यही बात हुई ना। तो उसके लिए प्रिफर होता है कि आईक्यू बढ़ाने के लिए योगा, मेडिटेशन, इट्स अ बेस्ट थिंग। लाइक मेडिटेशन से क्या रहता है, किसी भी चीज़ में हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसको याद रखने में बहुत ही सरलता होगी। मतलब योगा एंड मेडिटेशन आई कैन प्रिफर बेस्ट थिंग फॉर कंसंट्रेशन इंक्रीज, मेमोरी भी बाय डिफॉल्ट उससे हो जाती है। हाँ ओके सो मेरे को ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं हो रही कि मैं तेरे को एलकेजी से जानता हूँ, और अगर अभी हम इन फ्रंट ऑफ तेरी और मेरी हम दोनों की मार्कशीट ला के प्रेजेंट करेंगे तो टोटली डिफरेंट बिटवीन योर मार्क्स एंड माय मार्क्स, मतलब मैं कहना चाहूँ कि हर बार तेरे मार्क्स मेरे मार्क्स से बेटर है, बराबर। सो बाई टेलिंग बाई सेइंग दैट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वॉट इज द डिफरेंट बिटवीन अ सिंसियर स्टूडेंट एंड अ पुअर स्टूडेंट, बिकॉज यूजुअली मैं क्लास के बाहर रहता था बाई पनिशमेंट एंड ऑल दिस स्टफ, उसकी बात छोड़ो, वी कॉन्सेंट्रेट एग्जाम कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो एक पुअर स्टूडेंट और एक सिंसियर स्टूडेंट को लाइक कैटेगराइज करती है। एम बाई सेइंग दैट मैं किसी को भी हार्म नहीं पहुँचा रहा, बट जो फैक्ट है वो है तेरे को ज़्यादा आते थे मार्क्स तो आते थे मेरे को कम, तो वो क्या एक मेंटल बिहेवियर से क्या कुकिंग प्रोसेस रहती है इस बात को जैसे हम बता सकते हैं, कोई एक चीज़ एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो कोई बंदा ऐसा है जिसको एक बार में वो याद रहता है, दो बार में याद रहता है, और कोई बंदा ऐसा भी जो स्लो में पढ़ता है और जिसको चार पांच बार पढ़ने के बाद भी वो याद नहीं रहता और अच्छे से याद नहीं रहता। तो वो प्रोसेस रहते हैं कि जिसमें हमारा डेडिकेशन कितना है, जैसे कि हम कोई इंटेलिजेंट बंदे को देखे, कोई ऐसा बच्चा है वो एक बार पढ़ने से उसको बहुत अच्छे से याद रह जाता है कोई टॉपिक, तो तू वो है वो ऐसा कहने से मतलब किसी भी काम के लिए वो पर्टिकुलर होता है, लेकिन हम उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम पूरा डेडिकेशन कोई टॉपिक में देते हैं, अपने काम में पूरा डेडिकेशन देते हैं, पढ़ने में हो या अपने कोई काम में हो, तो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हम बन सकते हैं, कोई भी बच्चा बन सकता है। जैसे कि तू काम कर रहा है या अच्छा सा ब्लॉगिंग कर रहा है तो बेस्ट है तेरा, उसमें से तू अपना बेस्ट कर रहा है, बेस्ट में बेस्ट दे रहा है, वीडियोस बना रहा है, तो उससे तू अपना कुछ अपने इंफॉर्मेशन तू स्प्रेड कर रहा है, तो वो भी अच्छी बात है। मतलब ऐसे ऐसा है कि पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट होता है अपनी कैपेसिटी और इंटेलिजेंस के मुताबिक। ओके सो द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज, एज आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द टेक वर्ल्ड, मेरी कहीं ना कहीं एक ऐसी विजुअल इमेजिनेशन रहती है, लाइक हम फ्यूचर को देखें तो हम लाइक ऐसा साइंटिफिक मूवी में देखते हैं कि भाई कुछ किया और हमको सब याद रह गया। सो इज देयर एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन इन अ ह्यूमन बॉडी बाय दैट वी कैन एनहांस अवर मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू द बेस्ट, लाइक टू द अप टू द नेक्स्ट लेवल, लाइक ऐसा कौन सी कोई पॉसिबिलिटी है? लाइक अगर तूने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो उसमें एक सीन है कि वो अपना पूरा दिमाग खोल के दिखाते, उसमें दिखाते हैं कि देयर इज सम स्पेस जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर कोई टेक्नो, तो ऐसी क्या चांसेस है, वो किस तरीके से हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या है? जैसे मेमोरी स्टोर होती है, हमारे एक पार्ट होता है ब्रेन में हिप्पोकैम्पस पार्ट, उसमें हमारी मेमोरी स्टोर्स होती है, लेकिन हम साइंस के मुताबिक उसमें जो नॉर्मल होती है कोई हमारे साइंटिस्ट जैसे कि आइंस्टाइन या ऐसा कोई रहा है तो उसकी बेस्ट आईक्यू थी, तो उसमें साइंस के मुताबिक हम चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन अपनी नेचुरली भी उसमें इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसी शायद तो कोशिश रही होगी हमारे साइंटिस्ट की, लेकिन देखते हैं कुछ होगा ही तो आगे। सो द बेसिकल थिंग इज फॉर नाउ वी हैव ओनली अ सॉल्यूशन लाइक डूइंग योगा मेडिटेशन काइंड ऑफ स्टफ कि भाई ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा जो है ब्लड मिले Supply. और प्रॉपर रेस्ट मिले ब्रेन को, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके मेरा और साथ में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आई नो ये वो लास्ट क्वेश्चन था बट फिर भी लोग बोल रहे कि भाई सुबह को झाक के आप काम करो तो बैठे तरीके से याद रहते हैं, शाम को अगर मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूँ तो मैं रात को 1-2 बजे पढ़ने को बैठता हूँ तो मेरे को ज्यादा मजा आता है, और लाइक मेरी मॉम डैड मेरे को बोलते कि सुबह उठ के तो पढ़ेगा तो वो बेटर इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, वो जो तेरा एफर्ट डाले वो उसका बेटर आउटपुट रहेगा, सो वो क्या डिफरेंशिएट है? जैसे कि हम कोई काम पूरी शांति से करते हैं तो सुबह उठ के क्या होता है कि मन शांत रहता है और पूरा रेस्ट पूरा बॉडी में रहता है, वो फिलोसॉफिकल पूरी बात होगी, एक्चुअली बिहाइंड द सीन माइंड में ऐसी क्या प्रोसेस रहती है जिसकी वजह से हम सुबह को उठ के जो भी काम करें वो ज्यादा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू जो हम रात को करें उससे? जैसे कि स्ट्रेस लेवल सुबह उठ के स्ट्रेस माइंड का कम हो जाता है, पूरा रिलैक्स रहता है माइंड, तो उस वक्त जो हम कुछ एग्जांपल या सॉल्व करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो वो अच्छी तरह से याद रहने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती है, मतलब स्ट्रेस में और रिलैक्स लेवल में हम जो पढ़ते हैं वो ज़्यादातर याद रहता है, ऐसा हो सकता है। तो
पर्टिकुलर वो चेंज होता है, लेकिन वो अच्छा रहता है कि सुबह पढ़ते हैं तो ओके, सो इट इज प्रेफरेबल कि आप सुबह पढ़े, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू बी द पार्ट ऑफ दिस माय सेकंड सीजन ऑफ द वेब टॉक। पहले में भी तो था और काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। आई होप कि आगे भी सीजन में हम तेरे को इस काउच पे बिठा के बढ़िया बढ़िया टॉपिक जो लाइक डॉक्टर रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो दे पाए, और जो हमारे ऑडियंस है उसको भी बढ़िया से इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो थैंक यू वेरी मच। एंड इस बंदे से कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो, हालांकि ये अपना अकाउंट प्राइवेट रखता है इंस्टाग्राम का, बट आई होप कि वो आपको इंस्टाग्राम में डीएम के थ्रू प्राइवेट आंसर देगा। सो देयर इज अ लिंक ऑफ हिज इंस्टाग्राम बिलो द डिस्क्रिप्शन, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस होल सीरीज एंड फ्यूचर वीडियो ऑल्सो। And yeah, hope to see you in the next video soon. Bye for now. Like it, subscribe it. Thank you.